ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था, बीओ सावर्स लॉ पढ़ा था। बीओ सावर्स लॉ क्या बोलता है? तो बीओ सावर्स लॉ बोलता है कि पहला चीज मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। अगर मुझे एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट मतलब डीएल, और करंट मतलब आईडीएल, ठीक है, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है कहाँ पर, एक पॉइंट पे, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं बीओ सावर्स लॉ। अब एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, बीओ सावर्स लॉ को हम लोग लैपलेस लॉ भी बोलते हैं। बीओ सावर्स लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, लैपलेस लॉ भी बोलते हैं। ओके, अभी तो ये और बीओ सावर्स लॉ के, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट एट अ पॉइंट, अगर मुझे कभी भी निकालना है तो मैं क्या यूज करूंगा, बीओ सावर्स लॉ यूज करूंगा, जिसको हम लोग लैपलेस लॉ भी बोलते हैं। अभी इसमें मैं क्या करूंगा, मैं साथ में कुछ एंट्रेंस के क्वेश्चंस है वो भी मैं लेते जाऊंगा, ठीक है। तो स्क्रीन पे जैसे तुम लोग देखोगे तो स्क्रीन पे ऊपर वहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय, बरोबर है, और ये जेई 2003 में आया था। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय, और उन लोगों ने चार ऑप्शन दिया हुआ है, और उन लोगों ने कौन सा ऑप्शन दिया है, कूलम्स लॉ, ठीक है। उन लोगों ने पहला ऑप्शन क्या दिया, कूलम्स लॉ, दूसरा ऑप्शन उन लोगों ने क्या दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया उन्होंने लेंज लॉ, तीसरा ऑप्शन दिया उन लोगों ने बीओ सावर्स लॉ, चौथा ऑप्शन जो उन लोगों ने वो दिया हुआ है किरचॉफ्स लॉ। ओके, चौथा ऑप्शन जो अगर उन्होंने क्या दिया है, किरचॉफ्स लॉ। तो मुझे बताओ इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जैसे हम लोग ऑलरेडी हेडिंग ही बोल रहा है कि अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कोई भी पॉइंट पे, ठीक है ना, ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट, एलिमेंट मतलब छोटा वायर, लेकिन है तो वायर मतलब कंडक्टर, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, बीओ सावर्स लॉ यूज करोगे, समझा गया। अभी समझो ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को मैं अलग अलग चैप्टर में पूछ सकता हूँ, कैसे, समझो कूलम्स अगर मैं यही क्वेश्चन मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर डाल दूंगा, और मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा, बरोबर है, तभी ऑप्शन क्या आ जाएगा, कूलम्स का ऑप्शन आ जाएगा। यही क्वेश्चन अगर मैं ईएमआई चैप्टर के अंदर डाल दूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में तो आंसर क्या आ जाएगा, लेंज लॉ आ जाएगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट के अंदर अगर मैं ये वाला डाल दूंगा जो चैप्टर, तो ये आंसर ये हो गया। और अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये वाला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो अब अगर ये रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में अगर यही क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे आएगा, तो एक चीज समझो, कूलम्स जस्ट मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, आगे आंसर तो निकल गया है। कूलम्स लॉ हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो कभी भी मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, टू फाइंड फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, अगर मुझे दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स है, अगर मुझे वो निकालना है तो मैं क्या यूज करूँगा, कूलम्स लॉ यूज करूँगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे पूछता कि दो चार्ज के बीच में अगर मुझे फोर्स निकालना है तो मैं कौन सा लॉ यूज करूँगा, तुम्हारा आंसर क्या है, कूलम्स लॉ। अब जब मैं फोर्स की बात करता हूँ ना, तो फोर्स कैसा हो सकता है, फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, बरोबर है। लेंज लॉ, ठीक है, लेंज लॉ हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, एक्चुअली ये जेड है, लेंज लॉ हम लोग क्यों यूज, तो जब यही क्वेश्चन अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पूछूँ तो उसमें आंसर आएगा लेंज लॉ, लेकिन कैसे, क्वेश्चन कैसे होगा, लेंज लॉ यूज क्यों करते, तो लेंज लॉ यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ मतलब क्या होता है, वोल्टेज ही होता है, और इंड्यूस मतलब पहले नहीं था लेकिन बाद में आ गया, बरोबर है, अंडरस्टूड। तो
उसको लेंस रूम में यूज करते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए इंड्यूस ईएमएफ का। तो अगर यही क्वेश्चन में पूछोगे सो एंड सो ऐसा ऐसा है और मुझे ईएमएफ का डायरेक्शन निकालना है तो मैं लेंस रूम यूज करूंगा। बीओ साहब उसका ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है। किरचॉफ्स लॉ, अब किरचॉफ्स के दो लॉज है। किरचॉफ्स का एक लॉ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और दूसरा है किरचॉफ्स करंट लॉ, बराबर है। तो अगर इस अगर ये किरचॉफ्स लॉ हम लोग यूज करते हैं वोल्टेज निकालने के लिए और करंट निकालने के लिए, बराबर है, लूप में, या ये हम लोग लूप में यूज करते हैं, ये हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, कोई भी जंक्शन पे। तो सब तो समझा, ये यही क्वेश्चन मैं चार बार वापस से पूछ सकता हूँ, तो क्वेश्चन समझा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जरा देखते हैं, पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखने के पहले थोड़ा सा मैं बीओ सावर्स लॉ के ऊपर ही वापस से थोड़ा सा बात करता हूँ। बीओ सावर्स लॉ हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है और वो क्या बोलता है कि छोटा सा पूरा पूरा वायर की वजह से, बरोबर ना, ये देखो ये पूरा वायर, पूरा वायर का लेंथ कितना रहेगा एल, और मुझे क्या करना है समझो ये पॉइंट पी है, मुझे क्या करना है ये पॉइंट पी पे ये पूरे वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो मुझे निकालना है, बरोबर है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, बी करके। लेकिन हम लोग ने क्या बोला, हम लोग क्या निकाल के देंगे, पूरे वायर की वजह से, पूरे वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो निकाल के नहीं देंगे। इंस्टेड हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर करंट जा रहा है आई, बरोबर, ये करंट कैरिंग वायर, हम लोग ने क्या बोला, हम लोग एक छोटा सा ठीक है, हम लोग एक छोटा सा ठीक है छोटा सा वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो भी निकाल के देंगे, और उसके अंदर कितना करंट जा रहा है आई भी जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट कैरिंग एलिमेंट। करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो छोटा सा ही होगा, और वो कितना होगा तो उसका एक्सप्रेशन यहाँ लिखता हूँ, छोटा सा वायर, छोटा सा करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा ही होगा, और जिसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4π आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बराबर। ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी मालूम है, हम लोग ने जस्ट अभी भी इसको पढ़ लिया पूरा पूरा। और ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁷, बराबर। इसके अंदर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट कैरिंग एलिमेंट बोलते हैं। अच्छा ये आर क्या होता है, तो आर पॉइंट पी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो इट इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन बी ए एंड ठीक है द पॉइंट पी करके, ओके। दूसरा चीज थीटा क्या होता, तो थीटा भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन, किस किस के बीच का एंगल होता है ये, ठीक है, डी एल बोलो आइडियल बोलो चलेगा, डी एल एंड आर के बीच का एंगल होता है, बराबर है। अभी इसमें कुछ कुछ चीज़ें नोट तुमको याद रखनी है, सबसे पहले नोट, थीटा थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू डी एल, मतलब टेक डी एल एज रेफरेंस, कभी भी जो छोटा सा जो लेंथ होता है डी एल उसको रेफरेंस लेके थीटा हमेशा मेजर करना होता है। जैसे कि अभी समझो मेरा डी एल यहाँ पर ऐसा है, बराबर है, मेरा डी एल का यहाँ पर ऐसा वर्टिकल है, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा एक्स एक्सिस बन गया और ये मेरा क्या बन गया, वाई एक्सिस बन गया, पॉइंट पी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मैं यहाँ से एंगल मेजर करूँगा, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अगर मेरा डी एल समझो ऐसा है, ये मेरा डी एल है और मेरा पॉइंट पी समझो यहाँ पर है, अंडरस्टूड, तो डी एल मेरा हॉरिजॉन्टल है तो मेरा रेफरेंस भी क्या बन गया, हॉरिजॉन्टल बन गया, और मैं एंगल यहीं से मेजर करूँगा, समझ में आ रहा है, कुछ क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला, थीटा कहाँ से मेजर करना होता है, तो थीटा हमेशा मेजर करना होता है डी एल से, डी एल को रेफरेंस लेके हमेशा थीटा मेजर करना होता है, और डी एल कहाँ होता है, जो जैसा भी पोजीशन होगा वायर का, अगर वर्टिकल है तो इसको 0 डिग्री मान लो तो ये 90 डिग्री हो जाता है, अगर ऐसा वायर है तो इस तो डी एल भी ऐसा होगा तो इसको 0 डिग्री मान लो तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये पार्ट समझा गया, इतना क्लियर है। और अच्छा इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं राइट हैंड, राइट हैंड थंब रूल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन राइट हैंड हम लोग पाम रूल यूज़ करेंगे,
तो राइट हैंड पाम रूल में लिखता हूँ यहाँ पर, देखो ये सब बुक्स में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल, तो राइट हैंड पाम रूल मैं ऐसा बोलूंगा कि प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और मैं ऐसा बोलूंगा आइडियल के बाद, आइडियल जहां पर है ना वहां पर रखा तो भी चलेगा, ठीक है। जहां पर लेंस होगा वहीं पे करंट फ्लो होगा, बरोबर है। तो प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, उसके बाद में दूसरा चीज क्या है, पॉइंट द फिंगर्स वेयर यू नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एंड बेंड द फिंगर्स बाय 90 डिग्री। और बाद में तीसरा क्या रहेगा, जो बेंड हुआ फिंगर्स है वो क्या देगा, बेंड फिंगर्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, क्लियर है। तो यहाँ पर करंट कैसा जा रहा है, ऐसा मैं ऐसा भी रख सकता हूँ, लेकिन मेरा फिंगर्स को किधर पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट साइड में, जबकि मेरा पॉइंट कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में। और बाद में फिंगर्स को 90 डिग्री बेंड कर दो तो कहाँ जा रहा है, इन टू द बोर्ड, ये क्लियर है। ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, मैं जस्ट गो थ्रू करा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, ये क्लियर है। तो ये क्या है, आड़ा टेढ़ा वायर की वजह से, बरूबर है। तो पूरे वायर की वजह से कितना होगा, जितने भी आइडियल है, सब जितने भी आइडियल होंगे उसके वजह से उतना यहाँ पर डी बी आएगा, और जितना भी डी बी है सब डी बी को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो तुमको क्या मिल जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, ये क्लियर है। ओके, अगर यही वायर को, अभी हम लोग इसका स्पेशल केसेस की बात कर रहे हैं, अगर यही वायर को मैं खींच के ऐसा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यही वायर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा एकदम, बराबर वर्टिकल हो जाएगा। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अभी उसका डेरिवेशन जो है वो मैं बाद में कर रहा हूँ ना, बट पहले कंक्लूजन वगैरह समझ लूँ। अगर यही वायर को मैं खींच के सीधा कर दूँ तो क्या हो जाएगा, तो अभी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। मैं तुमको इसको जनरलाइज फॉर्मूला दे रहा हूँ, प्रूफ वगैरह मैं बाद में कराऊंगा, टेंशन मत लो उसका। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ये समझा जाए, समझो ये वायर है, और एक पॉइंट भी यहाँ पर है, ये वायर जो है ये फाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर नहीं है, हम लोग इनफाइनाइट का पीसेस पर डिस्कस करेंगे, बरोबर है, सेमी इनफाइनाइट, फाइनाइट, अभी सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ, प्रूफ भी है इसका, कैसे आया, क्या आया, वो भी मैं बाद में बता दूँगा, बरोबर है। बट फिलहाल कंक्लूजन समझू, एक पॉइंट भी है, पहले वायर कैसा था, आधा चढ़ा था, अभी मैंने वायर को खींच के ऐसा स्ट्रेट कर दिया, तो और ये वायर के अंदर क्या है, ये वायर के अंदर करंट जा रहा है, जितना भी करंट जा रहा है, मैंने बोला करंट जितना जा रहा है आई जा रहा है, बरोबर है। तो ये क्या करेगा, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये पॉइंट भी कहाँ पर है, वायर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो ये पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरा वायर जिसका लेंथ कितना है, जिसका लेंथ एल है, उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हमने बोला यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr ब्रैकेट में साइन ऑफ 5(1) प्लस साइन ऑफ 5(2)। अभी उसमें क्या क्या टर्म्स है, 5(1), 5(2), ये सब जरा समझ, इसको समझते हैं, ये पूरा डेरिवेशन कहाँ से आया, तो बी ओ सावर्स लॉ से ही आया, उसको सिंप्लीफाई आगे किया है पूरा और निकाला है। तो यहाँ पर देखो, तो अगर मैं तुमको बोलूँ क्या यहाँ पर आई क्या है, देखो यू नॉट अपॉन 4π, हम लोग को मालूम है कॉन्स्टेंट है, परमेबिलिटी और वैक्यूम जिसकी वैल्यू 10⁻¹। आई क्या है, तो आई इज द करंट फ्लोइंग इन द वायर या कंडक्टर। आर क्या, आर आर, तो देखो आर ये डिस्टेंस है, आर ये वाला डिस्टेंस है, आर हमेशा देखो ये डिस्टेंस भी हो सकता है, ये डिस्टेंस भी हो सकता है, ये डिस्टेंस भी हो सकता है, बट आर हमेशा क्या होता है, तो मैंने तुमको बोला
आर हमेशा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्लियर है, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा अब ये फाइव वन फाइव टू क्या है, तो देखो कभी भी एक स्ट्रेट वायर की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है जो भी पॉइंट पे, वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 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 बरोबर। तो क्या करना, देखो ये वायर का टॉप एंड है, ये वायर का बॉटम एंड है, तो क्या करना, ये टॉप और बॉटम एंड को जोड़ देना, ठीक है। अगर मैं इसको जोड़ दूंगा, बरोबर ऐसा आएगा और ये ऐसा आएगा, बरोबर है, देखो ऐसा क्लियर है। उसमें से ये वाला जो एंगल होता है, ठीक है, ये वाला, ये होता है, ये होता है फाइव वन, एंड ये वाला जो एंगल होता है, ये एंगल होता है फाइव टू, समझ में आया, फाइव वन एंड फाइव टू, फाइव वन एंड फाइव टू आर मेजर्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू आर, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा क्यों हम लोग ने किया, तो देखो जरा रीज़न समझूंगा। देखो मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, ये पूरे वायर के जैसे निकालना है ना, तो हम लोग जब डेरिवेशन करते हैं ना एक्चुअली, तो डेरिवेशन में हम लोग छोटा सा लेंथ लेते हैं, बरोबर है। और देखो अगर मैं फाइव, अगर मैं फाइव वन डिग्री लूँगा, तो ये देखो ये ऐसा है ना, देखो यहाँ पर और ये आर है, बरोबर है। अगर मैं फाइव से वन डिग्री लेता हूँ, वन डिग्री लेता हूँ मतलब देखो वन डिग्री मतलब बहुत छोटा एंगल होगा ना, देखो ऐसा होगा, ये ठीक है, वन डिग्री मतलब बहुत, देखो इतना छोटा सा मतलब इतना लेंथ कवर हुआ। अगर फाइव टू डिग्री लूँगा तो देखो ये फाइव दिख रहा है, ये फाइव, तो देखो ये इतना कवर हुआ। अगर मैं थर्टी डिग्री लूँगा तो देखो थर्टी डिग्री इतना पीछा है, तो देखो इतना वायर कवर हुआ, बरोबर। तो मतलब जैसा जैसा मैं फाइव इंक्रीज करते जाऊँगा, ये समझ में आ रहा है ना से, जैसा जैसा मैं फाइव इंक्रीज करते जाऊँगा तो ये लेंथ भी मेरा धीरे 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 पूरा कवर होता जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से फाइव वन लेते हैं, यहाँ से हम लोग फाइव टू लेते हैं, बरोबर है। जैसे मैं यहाँ से सेंटर से ऊपर का वायर कंसिडर करूँगा किससे, फाइव फाइव एंगल से, और नीचे का किससे कवर करूँगा, फाइव टू, बरोबर है। तो टोटल अगर एंगल मैं ऐड कर देता हूँ, टोटल एंगल जैसे कि ये वाले वायर के लिए अगर यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा हूँ तो कितना एंगल लग रहा है, फाइव वन, यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा हूँ तो कितना एंगल लग रहा है, फाइव टू, और पूरा एंगल को ऐड कर दूंगा, फाइव वन प्लस फाइव टू, तो पूरा का पूरा वायर कवर हो गया ना, साइन ऑफ फाइव वन प्लस फाइव टू, ये क्लियर है, ठीक है। तो ये कभी भी एक स्ट्रेट वायर की वजह से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये उसका जनरलाइज फॉर्मूला है, इसको याद रखना, इसको भूलना मत, ये जनरलाइज फॉर्मूला है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर साइन ऑफ फाइव वन फाइव टू, बरोबर है। फाइव वन फाइव टू हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं, और कैसे मेजर करते हैं वो भी मैंने तुमको बताया, न्यूमेरिकल्स लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बरोबर है। अभी इसके अंदर स्पेशल केसेस है, ज़रा वो भी अपन बात करते हैं, ओके। तो स्पेशल केसेस कुछ ऐसा है, पहला वाला कि अगर ये पॉइंट बहुत नज़दीक आ जाए, या फिर ये पॉइंट इधर ही हो, लेकिन ये पॉइंट इधर ही हो लेकिन ये वायर है ना इनफाइनाइट हो गया, एकदम इनफाइनाइट, समझ में आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ओके। तो हम लोग इसी को यूज करके फर्दर उसका जो भी रिजल्ट निकालेंगे, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। अब दूसरा, अब पहला केस क्या है, इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि वैन पॉइंट पी, पहला वाला स्पेशल केसेस पहला वाला केस ऐसा है कि वेन पॉइंट पी इज वेरी क्लोज टू द वायर या कंडक्टर, या फिर तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, एट अ पॉइंट पी करके। अब देखो दोनों भी केस में ये दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, दोनों का रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो सेम ही होने वाला है। देखो कैसे, जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल लिया था, तो देखो ये ऐसा था वायर, फिलहाल मेरा पॉइंट पी किधर था, इधर था, बरोबर। और ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस देखो इतना था आर करके, ये पॉइंट पी इधर था,
लेकिन अभी अभी क्या बोला, पी इज वेरी क्लोज टू द वायर और कंडक्टर। अच्छा अगर ये सिचुएशन में अगर मैं तुमको पूछूं तो बताओ मुझे फाइव वन कितना रहेगा, तो फाइव वन तुम बोलोगे कुछ इतना होगा। वन सेकेंड है, इसको लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। देखो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल फाइव वन होगा, और यहाँ से अगर मैं मेजर करने जाऊँगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल फाइव टू होगा। ये हमेशा अपोजिट डिरेक्शन में होता है, समझो यही पॉइंट भी अगर यहाँ आ जाता है, ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ लेकर आता हूँ तो मुझे बताओ फाइव वन फाइव टू कितना होगा। तो यहाँ से देखो देखो ऐसा, और ये दिख रहा है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये फाइव वन हो गया और ये फाइव टू हो गया। मुझे बताओ यहाँ पर एंगल अगर ये पॉइंट पी वायर के नज़दीक आते जाएगा तो फाइव वन और फाइव टू एंगल जो है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो देखो ये ऐसा समझने के लिए मैं तुमको ऐसे समझाता हूँ, यहाँ पर इधर देखो, जब ये पॉइंट पी इधर था तो देखो ये ऐसा था, दिख रहा है, लेकिन जब ये पॉइंट नज़दीक आ गया तो इधर देखो ठीक है एंगल बढ़ गया, ठीक है। देखो यहाँ पर इतना था बराबर, और यहाँ देखो इतना नहीं, देखो एंगल बढ़ गया, समझ में आ रहा है कुछ। अगर यही पॉइंट पे यहाँ आ जाएगा समझो इधर पे, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर यही पॉइंट पे और नजदीक आ जाएगा तो देखो ये फाइव वन हो जाएगा और ये फाइव टू हो जाएगा। देखो ऑलमोस्ट ये 90 डिग्री हो गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। मतलब जब P बहुत ही क्लोज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाइव वन और फाइव टू दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। ये क्लियर है, समझा ये चीज़ बराबर है। अगर समझो यही मैं अगर तुमको बोलता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, अब समझो यही वायर है, सेम सिचुएशन लेता हूँ मैं, ठीक है, जैसे कि ये वायर है बराबर है और पॉइंट भी यहाँ पर है, ठीक है। अब तो अगर पॉइंट पी यहाँ पर है, जो अपना फर्स्ट केस अपने सबसे पहले देखा था कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे बराबर है, और अगर मुझे फाई निकालना है तो ये जो पॉइंट है वहाँ से ये टॉप एंड जोड़ दो, ठीक है, और ये टॉप एंड और ये बॉटम एंड को जोड़ दो, ये तुमको क्या देगा, फाइव वन देगा, और ये तुमको क्या देगा, फाइव टू देगा। समझो अगर मैंने ये वायर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया यहाँ तक लेकर आ गया, ये वायर अभी यहाँ से लेके मैंने इतना इंक्रीज कर दिया, अब मुझे बताओ फाइव वन फाइव टू क्या देगा। वायर देखो पहले इतना था, तो फाइव वन इतना था, फाइव टू इतना था, पॉइंट पी से क्या करोगे, इसको जोड़ दो, देखो ये जोड़ दिया, और इसको भी क्या करोगे, जोड़ दो, तो दिख रहा है, देखो ये फाइव वन हो गया और ये फाइव टू हो गया, एंगल बढ़ गया ना। तो समझो ये वाला टॉप एंड एकदम दूर जाके खत्म हो रहा है और ये वाला जो एंड है एकदम नीचे जाके खत्म हो रहा है। तो अगर मैं वो किस में पूछूंगा, देखो ये वायर कितना है, एकदम इनफाइनाइटली लॉन्ग, एकदम टॉप एंड वहाँ जा रहा है और बॉटम एकदम इनफाइनाइट है, तो क्या होगा, अगर मैं तुमको पूछूँ फाइव वन कितना है तो तुम क्या करोगे, वो जो टॉप एंड एकदम दूर जा रहा है उसको तुम यहाँ से जोड़ दोगे ना, ऐसा, समझ में आ रहा है। तो देखो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली केस क्या हो जाएगा, तुम पॉइंट भी एकदम एकदम दूर वायर उसको जोड़ने जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्लियरली समझा, मैग्नेट जब भी पॉइंट वायर के क्लोज में होगा या वायर बहुत ही लंबा होगा, क्वेश्चन में लोग बोलेंगे लॉन्ग वायर बराबर या इनफाइनाइट वायर ऐसा, तो तुमको समझ जाना है कि फाइव वन फाइव टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो वो केस में मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी केसेस में यहाँ पर और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा मुझे बताओ। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर साइन ऑफ फाइव वन प्लस साइन ऑफ फाइव टू। मुझे बताओ फाइव वन की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, तो फोर पाई आर साइन 90 बराबर है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, साइन 90, और यहाँ पर भी मैं क्या लिख देता हूँ, साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, और साइन 90 कितना होता है, 1 1 प्लस 1 2, और ये 2 इससे कैंसिल हो गया। तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 2 विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई आर। ये क्लियर है,
और ये क्या मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? देखो ना पॉइंट भी देखो, ये एकदम इनफाइनाइट वायर है बट पॉइंट पी कहाँ पर है? सेंटर में। पॉइंट पी कहाँ पर है? सेंटर में। तो जब पॉइंट पी सेंटर में होगा और क्लोज होगा या तो वायर इनफाइनाइट होगा, तो वो केस में मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कितना हो गया? म्यू नॉट आर अपॉन 2πr। ये इसका प्रूफ है सिलेबस में, वो मैं बाद में करवाऊंगा। कंक्लूजन समझा गया? ये वाला कंक्लूजन समझा गया? क्लियर है? अच्छा, अभी दूसरा केस हम लोग पढ़ रहे हैं। जब यही पॉइंट पी सेंटर में नहीं है, और समझो या तो ये वाले एंड पे है, टॉप एंड पे है, बरोबर है? देखो ये इसका टॉप एंड है ना, यही पॉइंट पी यहाँ से चलते चलते अगर यहाँ आ जाएगा या फिर यहाँ पर आ जाएगा, बरोबर है? तो वो केस में क्या होगा? तो हम लोग अभी उसी का डिस्कशन कर, ओके? तो ये मैं इरेज कर देता हूँ अभी। इसको नहीं इरेज करता, इसको ऐसे रखता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, केस सेकंड केस की बात करते हैं। व्हेन पॉइंट पी इज एट वन ऑफ द एंड्स, जब पॉइंट पी कोई भी एंड पे होगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो, तो सेकंड केस जो है, व्हेन पॉइंट पी इज एट वन ऑफ द एंड्स, बराबर है, तो क्या होगा? इधर देखो, ये ऐसा वायर है, पॉइंट पी हम लोग भी जो निकाला था, पॉइंट पी अगर यहाँ पर होगा इतना डिस्टेंस पे, ठीक है, आर डिस्टेंस पे यहाँ पर, तो इस यहाँ पर मैग्नेटिक कितना होगा? इतना होगा। लेकिन यही पॉइंट पी समझो अगर टॉप एंड पे आ जाए, टॉप एंड पे यहाँ पर इधर टॉप एंड पे आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? यही पॉइंट पे अगर बॉटम एंड पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? तो देखो ये समझने के लिए फिर से मैं बोलता हूँ, नहीं ना हम लोग को निकालना क्या, 5 1 5 2 मुझे निकालना आना चाहिए। तो देखो ये 5 1 दिख रहा है, ये क्या है? ये 5 1 है और ये क्या 5 2 है। समझो यही पॉइंट पे अगर मैं यहाँ लेकर आता हूँ, तो देखो ये कितना दूर है इससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? तो देखो ये दिख रहा है, इसको मैं दूसरे कलर से बताता हूँ। यहाँ से देखो ये कितना है, ये 5 1 है और ये देखो ये 5 2 है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? तो पॉइंट पी क्या है? पॉइंट पी इज क्लोज, ठीक है, एंड इज एट वन ऑफ द एंड्स और इनफाइनाइट वायर, वायर इनफाइनाइट है और पी क्या है? कोई भी एंड पे होगा तो क्या होगा? तो देखो जब पॉइंट पी यहाँ से यहाँ पर आएगा, मुझे बताओ ये 5 1 और 5 2 का क्या होगा? 5 1 क्या हो जाएगा? तो इधर पे देखो 5 1 ऐसा था, जब ये इधर आ गया तो देखो 5 1 कम हो गया, और देखो 5 2 का देखो, 5 2 देखो ऐसा था, ये देखो 5 2 बढ़ गया, ठीक है, ये देखो ये ऐसा था यहाँ पर देखो, और जब यहाँ पर आ रहा तो देखो ये दिख रहा, क्लियर दिख रहा, अंडरस्टूड? देखो जब ऐसा था तो देखो इधर पर ऐसा था, देखो यहाँ पर देखो 5 2 बढ़ गया, और देखो ये 5 1 है ऐसा था, जब ये पॉइंट यहाँ आ गया तो देखो 5 1 कम हो गया। मतलब जैसे जैसे पॉइंट पी ऊपर ऊपर जाएगा 5 1 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मुझे बताओ जब ये पूरा यहाँ आ जाएगा तो मुझे बताओ 5 1 कितना हो जाएगा और 5 2 कितना हो जाएगा? पॉइंट पी नज़दीक है, नज़दीक है तो क्या हो जाएगा? नज़दीक है मतलब देखो ऐसा दिखेगा, या तो मुझे दिखाने के लिए बहुत दूर दूर दिखा दिया, देखो यहाँ पर है तो देखो ऐसा, ये समझ में आ रहा है? तो देखो 5 1 कितना हो गया? 510 डिग्री हो गया, और 52 कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया ना, क्लियर है? यही अगर समझो पॉइंट भी नज़दीक है और यहाँ पर आ जाएगा तो वो केस में क्या हो जाएगा? वो केस में पॉइंट भी यहाँ पर आ जाएगा, सेंटर में रहेगा तो मुझे मालूम है, सेंटर में रहेगा तो ये पूरा फॉर्मूला यूज़ करना या फिर ये भी सही है, बट अगर यही पॉइंट भी यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? देख रहा है? 5 2 कितना हो गया?
अब फाइव वन कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, और फाइव वन कितना हो गया 0 हो गया। मतलब बोलने का मतलब ऐसा है कोई भी एक एंगल क्या हो जाएगा, तो बोलने का मतलब ऐसा है कि कोई भी एक एंगल क्या रहेगा हमेशा, फाइव वन अगर 0 रहेगा तो फाइव टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और फाइव वन अगर 90 हो जाएगा तो फाइव टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो देखो अगर यहाँ पर 0 डिग्री डालो और यहाँ पर 90 डिग्री डालो, ये और ये केस, तो भी आंसर कितना आ जाएगा, साइन 90 कितना होता है, साइन 0 कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 1, तो 0 प्लस 1 फाइनल आंसर जो आएगा ना घूम फिर के वो कितना आने वाला है 1 ही आएगा। और यहाँ पर भी अगर 90 तो 90 का कितना आ जाएगा 1, और इसका कितना आ जाएगा 0, और ऐड करोगे तो घूम फिर कितना आने वाला है 1 ही आने वाला है, तो पूरा इसका आंसर 1 ही आने वाला है। तो घूम फिर के ये कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ पर, जब पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट इज पॉइंट नज़दीक है, और वो कहाँ पर है, कोई भी एक एंड पे है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं न्यूमेरिकल्स लूँगा तब तुमको समझेगा, तुमको ऐसा लगेगा ये सब महाराष्ट्र की बुक्स में तो नहीं दिया हुआ है, बट ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इतना समझ लो। मैं जो जो चीज़ करा रहा हूँ वो टू द पॉइंट है, और टू द सिलेबस है, नो टाइम पास नथिंग, बिकॉज मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है और उतना तुम्हारे पास भी उतना टाइम है, ओके। तो जितना करा रहा हूँ, जितना मैं वीडियोस बना रहा हूँ पूरा, वो सब देखते जाओ, हर एक चीज़ कुछ भी स्किप मत करो, ओके। इतना डीप तक कोई भी टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, बरोबर है। तो यहाँ पर देख लो, बी ई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, ये कब वैलिड है, जब पॉइंट पी वायर के बहुत नज़दीक होगा और कोई भी एंड्स पे होगा, या तो टॉप एंड पे या तो बॉटम एंड में, और ये कब वैलिड है, जब पॉइंट पी क्या होगा, वायर के नज़दीक होगा और सेंटर में होगा। समझ में आ रहा है, दोनों केस में पॉइंट पी नज़दीक है, यहाँ पर पॉइंट पी सेंटर पे है, यहाँ पर पॉइंट पी क्या कोई भी एक एंड पे है, और हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं वायर इन्फाइनाइटली लॉन्ग है और पॉइंट कहाँ पर है, सेंटर पे है, वायर इन्फाइनाइटली लॉन्ग है और पॉइंट भी कहाँ पर है, कोई भी एंड पे, दोनों केस में आंसर सेम आने वाला है। अच्छा, इसको मैं सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि हम म्यू नॉट आई अपॉन 2πr ब्रैकेट में हाफ लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, क्यों, मेरा मार्कअप मेरा बोर्ड में लिख सकता हूँ, बरोबर। तो आगे देखो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा देखो ना, ये वही चीज़ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट वन ऑफ द एंड्स। ये समझा क्या, मतलब मैं तुमको ऐसा दे दूँ, एक वायर है और पॉइंट भी बहुत नज़दीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 10 है, तो यही पॉइंट अगर जब यहाँ पर आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो 10 डिवाइड बाई 2, समझा। मैंने बोला यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 5 है, यही पॉइंट अगर यहाँ पर आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो तुमको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पर 5 डालना है, 2 5 10, समझा कि नहीं समझा। अगर बीच में किधर आएगा तो तुमको ये जनरलाइज फॉर्मूला यूज़ करना है, 5 1 निकालना है, 5 2 निकालना है। 5 1 कैसे निकालते हैं, टॉप एंड से जोड़ दो, 5 2 कैसे निकालते हैं, बॉटम एंड से जोड़ दो, किसको, वो पॉइंट को। समझ में आ रहा है, न्यूमेरिकल्स करेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा, ये एकदम समझा गया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ठीक है, एकदम क्लियर है, सनरेज कर देता हूँ। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देख रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आया, स्क्रीन पे क्वेश्चन आया, देखो यहाँ पर, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन जो है वो मेडिरूप में आया था 2014 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट देखो क्वेश्चन ऐसा है कि क्या बोल रहा है वो, टू आइडेंटिकल लॉन्ग वायर्स, देखो वो लोग ने बोल दिया कि वायर्स कैसा लॉन्ग है, मतलब वायर लॉन्ग है मतलब दिमाग में सीधा वो छप जाना चाहिए कि अगर वायर लॉन्ग है और पॉइंट अगर मिडल में है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr होता है। अगर वायर लॉन्ग है या पॉइंट जो पॉइंट है और वो कहाँ पर है, उसके एंड्स पे है, तो कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, कितना हो जाएगा इसका आधा, बराबर है कि नहीं, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है, जो भी रहेगा तो कितना आ जाएगा 8πr इसको, बराबर ना, सेंटर पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका, सब इधर पे 2 है, ठीक है, तो जो भी रहेगा उसका आधा मतलब 4, क्लियर है कि नहीं। ये जस्ट अभी हम लोगों ने डिराइव किया था, ये सेंटर पे था, ये एंड्स पे था, ठीक है। वापस क्वेश्चन पे आते, मैग्नेटिक फील्ड क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दो वायर्स है, ए ओ वी और सी ओ डी,
AOD और COD आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। दो वायर्स है तो समझो जैसे कि ये एक वायर है ऐसा, देखो यहाँ पर अज्यूम करो ए ओ और बी, ठीक है। दूसरा एक वायर है ये वाला, ठीक है, ऐसा रखा हुआ है मैंने सी ओ डी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल वायर्स ए ओ बी सी ओ डी आर प्लेस्ड एट राइट एंगल, ठीक है, विथ वन 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 अबव द अदर, एक के ऊपर एक रखा हुआ है दोनों को, और कैसा रखा है 90 डिग्री पे रखा हुआ है, सच दैट ओ इज द कॉमन पॉइंट फॉर द टू, दिख रहा है ओ एकदम कॉमन पॉइंट है। फिर क्वेश्चन में क्या मिल रहा है, दोनों के अंदर करंट कितना जा रहा है, आई वन जा रहा है आई टू जा रहा है। अब देखो आई टू इधर जा रहा है किधर जा रहा है, आई वन इधर जा रहा है किधर जा रहा है मुझे नहीं मालूम है, वो मैं अज्यूम करूंगा। बाद में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है जो कि कहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है, पॉइंट पी इज लाइंग एट अ डिस्टेंस डी। अब पॉइंट पी यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी हो सकता है, डी डिस्टेंस, यहाँ से भी डी डिस्टेंस पे, डी 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 स्पेस में डी डिस्टेंस पे कहीं पर भी हो सकता है ना, लेकिन उन लोगों ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि देखो उन लोगों ने क्या बोला है, डी कहाँ पर लाई कर रहा है, डी ओ से डी डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, और वो कैसे लाई कर रहा है, देखो ये जो है ना ये वर्टिकल प्लेन में है, और देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन दोनों एक दूसरे को कैसा है 90 डिग्री पे, तो पॉइंट पी जो है ना वो कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, तो देखो लोगों ने बोला है पॉइंट पी इज लाइंग एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ओ अलोंग अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वायर्स। तो ये वायर का ये प्लेन जो दोनों वायर्स के अंदर, ये प्लेन जो दोनों वायर्स को रखा हुआ है, इसको जो परपेंडिकुलर वाला प्लेन है उसके अंदर पॉइंट डी है, मतलब पॉइंट पी जो है ना वो इधर है डी डिस्टेंस पे, लेकिन ऐसे बताऊंगा ना तो ये डी जो है ना तुमको ओ के साथ कोइंसाइड लगेगा, तो मैं थोड़ा व्यू चेंज करता हूँ, इसको मैं ऐसा दिखाऊंगा, तो दिख रहा है ए ओ बी सी ओ सी ओ डी। अब सी ओ डी तुमको पॉइंट जैसा दिखेगा, ये वाला वायर पॉइंट जैसा दिखेगा, और ये देखो पॉइंट पी डी डिस्टेंस पे, समझा कि नहीं समझा। चलो और एक चीज़ें साथ में आपको नज़ूम कर लेते, इसके अंदर करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, बरोबर, और इसके अंदर करंट किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसा मैंने अज्यूम किया है, क्लियर है। अगर यही चीज़, ठीक है, ए ओ बी सी ओ डी, अगर एक और पॉइंट पी इधर है डी डिस्टेंस, अगर ये चीज़ मैं डायग्राम में बताऊँगा तो कैसा होगा, तो ये डायग्राम में कुछ ऐसा दिखेगा, ये वाला वायर है ए ओ बी, बरोबर, ऐसा वर्टिकल, और सी ओ डी कैसा है, सी ओ डी ऐसा है, बरोबर है, तो वायर ऐसा है, तो मैं बोलता हूँ सी ओ और ये डी करके, इसके अंदर बरोबर ये वाले वायर में करंट कैसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मैं करंट को बताता हूँ ऊपर की डिरेक्शन में, बरोबर है, तो इसको करंट को मैं रेड कलर से लगा देता हूँ, इसके अंदर करंट जा रहा है I1, इसके अंदर करंट जा रहा है I1, और यहाँ पर जो वायर सी ओ डी, इसके अंदर करंट कैसा जा रहा है, बाहर की तरफ आया, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तुम अंदर भी अज्यूम कर सकते हो, आंसर में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। अगर करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो मैं बोलूँगा आई टू, और पॉइंट पॉइंट क्या इंडिकेट करता है कि करंट क्या है, बाहर की तरफ आ रहा है। दूसरा क्या है, डी डिस्टेंस पे, यहाँ से डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा वो बताओ। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि ए ओ बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो भी होगा उसको मैं बोलता हूँ बी वन करके, ठीक है, कहाँ होगा, तो देखो राइट हैंड पाम रूल, देखो करंट ऐसा जा रहा है, पॉइंट इधर है, फिंगर्स को 90 डिग्री से बेंड करो, तो देखो अंदर, समझ में आ रहा है, अंदर जा रहा है, मतलब ये इधर है क्रॉस, क्लियर है। अच्छा दूसरा, ये सी ओ डी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो देखो मैंने बोला सी ओ डी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा उसको मैं बोलूँगा बी टू करके, उसको मैं क्या बोलूँगा बी टू, लेकिन कहाँ पर है, तो देखो ऐसा वायर है ना, देखो ऐसा बाहर आ रहा है करंट, तो देखो थंब ऐसा रखूँगा, लेकिन फिंगर्स देखो मेरे ऊपर है, जबकि मेरा पॉइंट किधर है, इधर है, तो बाद में 90 डिग्री से बैंड, समझ में आ रहा है, मतलब 90 डिग्री किधर है, ऊपर जा रहा है, ये क्लियर है। बोलने का मतलब ऐसा है कि ए ओ बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अंदर की तरफ, ठीक है, इसको देखो अंदर की तरफ, और इसके मैग्नेट किधर है, ऊपर की तरफ, तो देखो ऐसे है, बट तुमको सामने से नहीं समझेगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसा है ना, इसको मैं ऐसा देखता हूँ, इधर देखो ऐसा, ठीक है, बट इसको अपन यहाँ से देखते हैं साइड से, साइड से देखूंगा तो देखो ऐसा दिखेगा बी वन, ठीक है ना, बी वन, ये बी वन है और ये बी टू है, ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये बी वन है, ये क्या है, बी टू है। अब एक चीज़ समझना कि
तो अगर मैं पूछूं ये पॉइंट पी के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो तुम क्या बोलोगे, जितना बी वन है और जितना बी टू है उतना दोनों का मैग्नेटिक फील्ड है। अब दोनों को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, क्यों नहीं ऐड कर सकते, तो हम लोग को बेसिक्स मालूम होना चाहिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर को ऐड करने के लिए वेक्टर के रूल्स बनाए गए। कौन से रूल्स है, पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ। तो मैं अगर पैरेललोग्राम बना दूँ तो ये डायगोनल जो रहेगा, डायगोनल क्या देगा, डायगोनल मुझे क्या देगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड देगा, नेट रिजल्टेंट देगा। समझ में आ रहा है? और नेट मैग्नेटिक फील्ड पैरेललोग्राम लॉ से हम निकालने जाएंगे तो वो क्या रहेगा, बी वन स्क्वेयर प्लस बी टू स्क्वेयर प्लस टू बी वन बी टू कॉस ऑफ थीटा, और ये ब्रैकेट के अंदर। क्लियर है? अब मुझे बताओ थीटा कितना है बी वन बी टू के बीच में, तो 90 डिग्री है, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो ये पूरा टर्म कितना हो गया, जीरो हो गया। क्लियर है? अच्छा बी वन क्या रहेगा, तो बी वन देखो, बी वन मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ऐसा करंट ऊपर जा रहा है, बी वन क्या ए ओ बी की वजह से बी वन बराबर, और वो अंदर की तरफ है, ठीक है। और वो देखो ये बी वन जो है ना वो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई बी का स्क्वायर, समझा। ये करंट आई वन, बी वन किसकी वजह से, आई वन की वजह से। सिमिलरली बी टू क्या रहेगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई बी का स्क्वायर, करंट क्या रहेगा आई टू। ये क्लियर है? और ये स्क्वायर रूट यहाँ पर ऐसा, अंडरस्टूड? ओके, तो दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, अभी हो गया सब, अभी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, देखो ये कॉमन हो गया, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी, आई नहीं आएगा सॉरी, अंदर क्या बचेगा, आई वन का स्क्वायर, क्या लिख रहा हूँ मैं, आई वन का स्क्वायर प्लस आई टू का स्क्वायर, और ये ऐसा ये बाहर आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई डी ब्रैकेट में आई वन का स्क्वायर आई टू का स्क्वायर रेज़ टू हाफ। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे ख्याल से, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सम क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि अभी से जो भी वीडियोस देगा वो एक पूरा ऑर्डर में देखना, ठीक है, और पूरा देखना बरोबर है। मैं जितना भी मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ट्राई करूंगा सब वेराइटीज़ को कवर करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ये 2003 में आया था, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसका जिसके अंदर करंट कितना जा रहा है 30 एम्पियर का है, और उसको कहाँ पर रखा हुआ है, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिसका वैल्यू कितना है 4 × 10⁻⁴ है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर वो करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, बरोबर है, ये दोनों कैसे आपस में, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो देखो उसमें बोला है द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन इन टेस्ला एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर इज। तो क्वेश्चन क्या है जरा उसको मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में बताता हूँ, वेर एवर पॉसिबल ऑलवेज ट्राई टू रिप्रेजेंट इन डायग्रामेटिक फॉर्म, ठीक है। तो ये मैं ऐसे बताता हूँ, समझो कि ये एक साउथ पोल है यहाँ पर, ठीक है, और नीचे यहाँ पर है नॉर्थ पोल। नॉर्थ से साउथ क्या बनता है तो हम लोग को मालूम है, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये हॉर्सशू मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, ओके। और इसका वैल्यू कितना है 4 × 10⁻⁴ टेस्ला। ये क्लियर है? अब मैंने क्या किया, समझो ये एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है, बराबर है, इसके अंदर करंट जा रहा है 30 एम्पियर का, इसको मैंने कहाँ रखा है, इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इसको मैंने ऐसा रखा है क्या, देखो ऐसा रखूँगा तो करंट नीचे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया। उसमें क्वेश्चन में क्या बोला, पैरेलल है, परपेंडिकुलर भी नहीं, पैरेलल है, मतलब ये मैं वायर रखता हूँ ऐसा, लेट्स से दिस इज दैट वायर, बराबर, और इसके अंदर कितना करंट जा रहा है 30 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो दिस इज
10 नहीं सॉरी 30, तो दिस इज I इज इक्वल टू 30 एम्पियर। देखो मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। बाद में लोगों ने क्या बोला, वो लोग ने बोला एक पॉइंट लिया, ठीक है पॉइंट देख कहाँ पर, यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस वो लोग ने बोला है 2 सेंटीमीटर पे, तो ये पॉइंट पी जो कि 2 सेंटीमीटर पे है, बराबर है, पॉइंट पी जो कि 2 सेंटीमीटर पे है वायर्स है, बताओ उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, देखो फिर से यहाँ पर वही सेम प्रीवियस क्वेश्चन ही है, इसकी वजह से ये वाले वायर की वजह से यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ पर होगा वो समझो, वो कितना होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, बी वन बोलूँगा, बरोबर। ये वायर की वजह से देखो ना करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट इधर है, फिंगर्स को 90 डिग्री बेंड करो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, ठीक है अंदर ऐसे, और पॉइंट पी के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड ये वायर की वजह से आ रहा है जो अंदर जा रहा है, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ये जो ऑलरेडी है, ये जो मैग्नेट का जो है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर आ रहा है, बी टू है ना, ये बी सॉरी ऊपर की तरफ आ रहा है। तो फिर से वही सिनेरियो हो गया जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, बराबर है ऐसा। तो अगर इसको मैं देखने जाऊँगा साइड व्यू से तो ऐसे ही दिखेगा ना, ये वाला कौन सा मैग्नेटिक फील्ड वायर की वजह से, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड जो रखा हुआ है जिसके अंदर, तो दोनों का नेट क्या होगा, रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है यहाँ पर मैं डायग्राम बना दूँ अगर, तो दिस इज बी वन वायर की वजह से, डी टू वायर, और ये क्या है, ठीक है जो कि गिवन है 4×10⁻⁴ करके। तो नेट क्या रहेगा, नेट हम लोग यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम का, ओके। तो ये डायग्राम क्या रहेगा, थोड़ा सा इसे बना देता हूँ, ओके। तो ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड में निकालूंगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, बी का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस टू बी वन बी कॉस ऑफ थीटा, और थीटा कितना है तुम लोग खुद ही बोल दो, थीटा का मोटिवेशन कितना है 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 90, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया, क्लियर है। अब बी बी वन बी कितना है, तो बी तो लोगों ने ऑलरेडी दिया है 4×10⁻⁴ का स्क्वायर प्लस बी वन, बी वन कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेट वायर की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πb का स्क्वायर, और ये क्या है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऐसा ही, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4×10⁻⁴ का स्क्वायर प्लस, अब देखो ये जो म्यू नॉट है ना, म्यू नॉट अपॉन 2π, ठीक है। मैंने ये यहाँ पर स्मार्ट वर्क किया, मैंने बताता हूँ करंट की वैल्यू कितनी है 30 है, और ये डी किसमें, डी 2 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2×10⁻², और ये पूरा स्क्वायर के अंदर है, और मैंने क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 किया और डिवाइड बाई 2 किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने से देखो ये वाला टर्म क्या हो गया, ये वाला टर्म क्या हो गया, ये वाला टर्म हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 4π, और म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू कितनी है 10⁻⁷, क्लियर हुआ। और दूसरा देखो ये वाला 2 इससे कैंसिल हो गया, ओके, और ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर, तो यहाँ पर है ही। अब इसके बाद क्या आ जाता है 4×10⁻⁴ का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो 3 है ना, ये 10⁻², 10⁻², को मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 30 है ना, तो 10×10⁻², ये ऊपर ही जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये 7 तो है ही, और ये स्क्वायर, क्लियर है। अब ये क्या आ जाएगा पूरा, ये कितना हो गया 3, और इसमें 4 गया तो कितना हो गया 3×10⁻⁴ का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 4×10⁻⁴ का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट, ठीक। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या आ गया 4² प्लस 3² × 10⁻⁴ का स्क्वायर, क्लियर है। ये बाहर आ जाता है तो कितना आ जाता है 10⁻⁴ आ गया, अंदर कितना बचा 16+9, बराबर 16+9 कितना आता है 25, और फाइनल आंसर कितना आ गया 5×10⁻⁴। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन इज सी करके।
करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करें। ओके तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है ना वो थोड़ा सा तगड़ा न्यूमेरिकल है, वो आया था जेई मेंस 2014, ठीक है। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे है, जब तक मैं इरेज करता हूँ तो क्वेश्चन दिख लो। देखो अभी मैं टाइप वाइज ही करवा रहा हूँ, जितने अभी तक मैंने सर्कल्स का नहीं किया, इसके बाद जो लेक्चर होगा ना उसके ऊपर मैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल करूँगा, और उसके बाद में जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना वो कॉम्बिनेशन भी होंगे। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। ऑलरेडी लोगों ने डायग्राम पूरा दिया हुआ है, तो डायग्राम में बना भी देता हूँ साथ में यहाँ पर, थोड़ा सा ऐसा है। और ये ऐसा है, लॉन्ग बोला मतलब इसका ये वाला एंड कहीं दूर जाके ख़त्म हो रहा है और ये वाला एंड भी कहीं दूर जाके ख़त्म हो रहा है, क्लियर है। अ लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज कैरिंग करंट आई, और करंट आई कैसे जा रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है और वही करंट यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। बाद में ऐसा बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, एट अ पॉइंट पी करके, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द बेंडिंग एंगल। तो देखो ये जहाँ पर बेंड है ना, ये बेंडिंग एंगल दिया हुआ है, बेंडिंग एंगल कितना, बेंडिंग एंगल दिया हुआ 150 डिग्री। ये बेंडिंग एंगल का जो बाइसेक्टर है, अगर मैं बाइसेक्टर बनाने जाऊँगा तो बाइसेक्टर ये ऐसा बाइसेक्टर आएगा, बाइसेक्टर पे डी डिस्टेंस पे, ठीक है, डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी करके, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, और वो चार ऑप्शन हैं। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझा? ओके तो अगर तुम देखने जाओगे ना तो देखो अबाउट दिस बाइसेक्टर, ये देखो फिगर सिमेट्रिक है, तो देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी सिमेट्रिक फिगर होता है ना तो कोई भी एक साइड का सॉल्व करो, बाद में उसको मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स कर दो, आंसर फटाक से आ जाएगा। ओके तो देखो अगर मैं खाली ये नीचे वाला वायर लेता हूँ, ठीक है, तो नीचे वाला वायर को देखो और इसको मत देखो, ठीक है। अच्छा ये एंगल कितना रहेगा, अगर ये वाला एंगल की मैं बात करूँ तो ये वाला एंगल रहेगा 60 डिग्री, क्लियर है। तो देखो ये वाला वायर देखो, ये वायर है और ये पॉइंट है, ये स्ट्रेट वायर की वजह से ये वाले पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बराबर है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, और वो फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो जैसे म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, जिसमें r होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन ऑफ 5(1) प्लस साइन ऑफ 5(2), क्लियर है कि नहीं? मुझे बताओ ये r अगर मुझे चाहिए, r क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से देखो परपेंडिकुलर से मतलब ये लूँगा मैं, नहीं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, ये वाला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अच्छा ये डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो देखो इसके अंदर मैं ऐसा हो सकता है, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूस है ना, मुझे बहुत सा चाहिए, देखो ये थीटा का अपोजिट साइड है, तो मैं बोलूँगा साइन 60 इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट, बराबर है, अपोजिट ये जो एच है या आर बोल लो, अपोजिट मतलब आर अपॉन हाइपोटेन्यूस, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से मुझे बताओ आर क्या रहेगा, साइन 60 कितना होता है, √3/2, और ये कितना हो गया, तो मुझे बताओ यहाँ से आर कितना रहेगा, आर यहाँ से हो जाएगा √3/2 टाइम्स ऑफ डी, क्लियर है, ये मैंने डायग्राम में निकाल लिया। दूसरा चीज़ देखो अभी ने क्या बोला, वायर जो है वो कैसा है, अ लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है, मतलब देखो ये वाला जो एंड है, ठीक है, यूजली देखो अगर मुझे ये फॉर्मूला अगर मुझे निकालना है तो मुझे 5(1) निकालना पड़ेगा और 5(2) निकालना पड़ेगा, बराबर है, ठीक है। तो जैसे कि देखो ये एक वायर है और ये पॉइंट पी ऐसा होता है ना, ठीक है, ये वाला होता है 5(1) और ये वाला होता है 5(2), बराबर है। अब समझो मैं अगर तुमको बोल दूँ कि ये वाला जो एंड है ना वो इनफाइनाइट है, ये वाला जो नीचे का जो पोर्शन वायर है वो इनफाइनाइट है, तो मुझे बताओ ये वाला किधर तक जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इसी को मैं ऐसे घुमा दो, तो देखो ये वाला फिगर बन गया ना, तो इसका एंड वहाँ जाके एकदम दूर जाके खत्म हो रहा है, तो देखो अगर इसको मैं जोड़ दूँगा ऐसे दूर एकदम जाकर, तो ये एंगल कितना हो गया,
ये एंगल हो जाता है फाइव टू विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा तो ये एंगल कितना रहेगा फाइव वन, तो ये एंगल हो जाता है 30 डिग्री बराबर ना, ये 60 ये 90 तो ये 30 क्लियर है। तो इसके अंदर फाइव वन कितना हो गया 30, ये कितना हो गया, ये हो गया 90 बराबर। तो मुझे बताओ साइन 30 कितना हो जाता है, साइन 30 हो जाता है हाफ, और ये कितना हो गया वन। तो बताओ वन प्लस हाफ कितना हो गया, टू वन टू, टू प्लस वन थ्री बाई टू, मतलब ये पूरा वैल्यू कितना हो जाता है, ये वैल्यू 3/2 हो गया। और आगे इसको रिवर्स कर देता हूँ, 3/2 और यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, ठीक है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ म्यू नॉट आई अपॉन 4π आर, आर मैंने निकाला हुआ है और वो कितना है √3 बी और ये टू, और यहाँ पर कितना आ गया 3/2 मेरे चीज़। तो मुझे बताओ ये टू से कैंसिल हो गया, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, आंसर नहीं आया अभी फिलहाल, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इंटू 3/√3। ओके इसको मैं रैशनलाइज कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 3, ये 3 से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया √3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 टाइम्स ऑफ पाई डी। समझ में आ रहा, तो ये वाले वायर की वजह से, ये वाले वायर की वजह से बराबर पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कितना होगा √3 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई 4π d। तो बताओ ये वाले वायर की वजह से भी कितना रहेगा, इतना ही रहेगा, सेम ही होगा म्यू नॉट आई 4π d। ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये ऐड करूँगा तो 2 टाइम्स हो गया बराबर, 2 वन सा और ये 2 टू सा, क्लियर है। तो फाइनल आंसर कितना आ जाता है, समझा कि नहीं समझा, तो फाइनल आंसर जो है ऑप्शन में कौन सा आएगा, डी वाला ऑप्शन है √3 म्यू नॉट आई 2π d का, क्लियर है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आया, स्क्रीन पे, ये स्क्रीन पे क्वेश्चन आया आया है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है कि दो थिन मेटालिक वायर्स है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दो थिन मेटालिक वायर्स है और उसको एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है, दो थिन क्या है मेटालिक वायर्स है और उसको एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या किया है, रखा हुआ है। और उसके बाद लोग ने क्या बोला है कि दोनों के अंदर करंट भी क्या है, सेम है। और बाद में लोग ने बोला है कि ए बी और सी डी ये दो लाइंस बनाई है एक्सिस के अंदर, जहाँ पर दोनों वायर्स रखे हुए हैं, और दोनों लाइंस कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री से, दोनों भी लाइंस 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो कौन सा पोर्शन का लाइन के, मतलब जो लाइन का कौन सा पोर्शन ऐसा होगा जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो समझो एक वायर है, ऐसा मैं डायग्राम बना देता हूँ, क्वेश्चन यहाँ तुम्हारे सामने आएगा बाजू में। तो ये है एक्स एक्सिस और समझो ये है वाई एक्सिस बराबर है। तो समझो मैंने दो वायर्स लिए, जैसे कि ये एक ब्लू वाला वायर है, ये ब्लू वाला वायर है और ये रेड वाला वायर है, रेड वाला वायर को ऐसा रख दिया और ब्लू वाले वायर को ऐसा रख दिया, और दोनों के अंदर करंट जा रहा है, क्वेश्चन में लोगों ने बोला हुआ है दोनों के अंदर करंट कितना जा रहा है, सेम जा रहा है। मतलब मैं अज्यूम कर लूँ कि अगर इसके अंदर 10 एम्पियर का करंट जा रहा है जिसको तुमने आई बोला है, तो इसके अंदर भी कितना जाएगा करंट, 10 एम्पियर का ही जा रहा है, या नहीं 10, मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ, नहीं तो तुम बोलोगे बरोबर समझाने के लिए। बाद में लोग ने क्या बोला कि वो लोग ने दो लाइंस बनाई है, अब वो लाइंस जो बनाई है वो मैं इधर पर बनाता हूँ, ठीक है। लाइंस कैसी है, तो ये लाइन है ए बी और ये वाली लाइन है, ठीक है सेंटर इधर है, ये लाइन है सी और ये डी बरोबर है। लाइन ए बी और ये सी डी कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री बना रही है, समझ में आ रहा है। ओके मतलब ये एंगल भी 45 डिग्री है, ये एंगल भी 45 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा पोर्शन, ये जो वायर ए बी, लाइन ए बी के ऊपर ये दोनों वायर की वजह से जो एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखा है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, या सिर्फ ये सेंटर से लेके ओ से लेके बी तक खाली इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, या फिर खाली इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, देखो चारों ऑप्शन देख लो, ए बी सी डी सेगमेंट ओ बी ऑफ ए बी एंड सेगमेंट ओ सी ऑफ सी डी। तो इसका आंसर ऐसा है, देखो सबसे सिंपल चीज़ ऐसी है,
पहले अपन पहले मैं क्या करता हूँ, ये सी को हटा देता हूँ, पहले मैं सिर्फ डी की बात करता हूँ, डी की, तो समझो डी की नहीं सॉरी ये ए ओ बी की बात करता हूँ, और ये दो वायर्स हैं सब बराबर, ये दोनों वायर्स कैसे स्ट्रेट वायर्स हैं, और स्ट्रेट वायर की वजह से मैंने तुमको फार्मूला जस्ट बता दिया, क्योंकि स्ट्रेट वायर की वजह से फार्मूला जो है, या फिर अगर तुम बी ओ सावर्स लॉ भी यूज़ करते हो तो बी ओ सावर्स लॉ भी क्या है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो बी ओ सावर्स लॉ अप्लाई करने के लिए तुमको हमेशा डी एल लगेगा, तो डी एल ले लो ना, ये वायर एक वायर इधर है ना, तो अज्यूम कर लो एक डी एल इधर है, ये आई डी एल है, अज्यूम कर लो ये जो ये यहाँ से जितना डिस्टेंस पे तुमने आई डी एल लिया ना, तुम आई डी एल यहाँ से यहाँ पर भी एक आई डी एल ले लो, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बराबर है कि नहीं। अब एक पॉइंट अज्यूम कर लो यहाँ पर समझने के लिए, तो मुझे बताओ आइडियल से आइडियल ये पॉइंट जितना डिस्टेंस यहाँ ये वाले वायर से है जो एक्स के अलावा रखा है, उतना ही डिस्टेंस ये वाले वायर से भी है, बराबर है कि नहीं। मतलब अगर ये वाले आइडियल की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड समझो कुछ तो होगा, समझो वो वैल्यू है 10, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर मैग्नेटिक कितना होगा, 10 का ही होगा, लेकिन मुझे बताओ डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो इसके अंदर ऐसा जाना, आइडियल के अंदर करंट ऐसा जाना, मेरा पॉइंट ऊपर है, बाद में फिंगर्स को 90 डिग्री से बेंड करो, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, तो डॉट बराबर। और इसके अंदर देखो ऐसा पॉइंट इधर है ना, और देखो ऐसा, तो देखो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वजह से जो भी ये पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, इसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर की तरफ होगा, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देगा ना, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। वैसे अगर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ बराबर है, तो इसके ऊपर ये वाले वायर की वजह से जो भी होगा वो अंदर की तरफ होगा, और ये वाले वायर की वजह से क्या होगा, बाहर होगा। इसका मतलब क्या होगा, पूरे वायर की वजह से ये ए बी के ऊपर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा वो बाहर की तरफ होगा, और ये वाले वायर की वजह से ये वाले लाइन पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। तो ये वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर जो भी होगा वो कैंसिल करेगा किसको, ये वाले वायर की वजह से इसके ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो बोथ द मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, बोथ द मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू द वायर on x-axis and y-axis on line AB, ठीक है, on line AB is equal and opposite, ये clear है, hence net magnetic field कितना हो गया, zero, clear है। अच्छा ये तो किसका बात हो गया, ये तो बात हो गया किसका, ए बी का हो गया। अब बात एक और एक है ना यहाँ पर, और वो क्या है, और वो क्या, और वो सी डी इधर है, देखिए सी और डी। अब ए बी को भूल जाओ, अभी सी डी की बात करो, सी डी मुझे बताओ ये वाले वायर से इसका डिस्टेंस, समझिए एक आइडियल इधर ले लो, एक आइडियल इधर ले लो, बराबर है, मुझे बताओ ये वाले ये कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, बराबर है, ये पॉइंट का ये आइडियल से डिस्टेंस इतना है, ये पॉइंट का ये वाले आइडियल से डिस्टेंस इतना है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। आइडियल ये आर ना, देखो ना डी बी किसके ऊपर डिपेंड करता है, आर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ से ले लूँ, देखो ये पॉइंट ऐसा है ना, तो देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, तो देखो ये इतना है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना है। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ समझो, तो मुझे बताओ यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा इसका, तो देखो ये इतना हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देखो सेम नहीं आ रहा, नहीं समझ रहा, तो तुम ऐसा भी बोल सकते हो, देखो थीटा देख लो, दोनों का थीटा, थीटा देखो इसका थीटा, ये वाला जो लाइन है ये वाले वायर से इसका थीटा देखो इतना है, और इसका थीटा देखो इतना है, तो थीटा अलग अलग है ना, तो देखो थीटा अलग अलग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, अलग अलग ही होने वाला है। इसका मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसकी वजह से कम होगा, या इसकी वजह से कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा, बट कुछ ना कुछ नेट वैल्यू आएगा।
इसका मतलब सी डी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, लेकिन ए बी के ऊपर क्या होगा, जीरो। तो ए बी इज द करेक्ट आंसर। समझा क्या? ओके, कुछ अगर नहीं समझा, डाउट है तो मुझे पूछ। ओके।